हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो के भावना में खोने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है घरों के अंदर होने वाला पेंट। फ्रेंड, घरों के अंदर होने वाले कई सारे पेंट होते हैं जो हर किसी के बजट में नहीं होता है। हम उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हर किसी के बजट में आ जाता है आसानी से और सस्ते रेट पर। ठीक है फ्रेंड, हम उस पे बात करेंगे जो पेंट आप खुद भी कर सकते हैं और किसी पेंटर के थ्रू भी करवा सकते हैं, जो आपके बजट में एकदम प्रॉपरली आ जाता है। फ्रेंड, तो हम सारी जानकारी आपको इतने इस वीडियो के अंदर देंगे कि ये पेंट आपके घर में कैसे होता है और कितने बजट में होता है, एक रूम का क्या बजट है, उसी हिसाब से पूरा आपको बायोडाटा हम आपको बता देंगे। फ्रेंड, तो गो टू जंपिंग माई वीडियो। फ्रेंड, तो गाइस, ये हमारा वो पेंट है ट्रैक्टर इमल्सन। ये ट्रैक्टर इमल्सन है हमारा, 20 लीटर की बाल्टी है जिसमें बड़े आराम से आपका ये 4 कमरे 10 बाई 10 का तैयार हो जाता है। 4 कमरे अगर नहीं होता है, कुछ हाइट बड़ी होती है या कुछ साइज बड़ा होता है, तो 3 कमरे प्रॉपरली हो जाता है। फ्रेंड, वैसे तो ये एक कमरे में 5 लीटर लगता है। ये 20 लीटर की बाल्टी है जिसकी प्राइस है 2,000 रुपये। प्राइस इसमें ज़्यादा दे रखे हैं, पर मार्केट से ये आपको 2,000 रुपये में पर्याप्त हो जाता है। फ्रेंड, इसके लिए कुछ टूल की ज़रूरत होती है, जैसे कि ब्रश। ये हमारा ब्रश कृपाल कंपनी का और 5 इंच का ब्रश है, और इसके साथ में 0 नंबर का रोलर चाहिए होता है और पत्ती चाहिए होता है जिससे हमें रिपेयर कर सकें। तो और इसके साथ एक मटेरियल और चाहिए, जेके वॉल पुट्टी, और साथ में पीओपी। फ्रेंड, इसमें पानी मिक्स होता है इस पेंट में। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपका जो भी खड्डा है, पकड़ी दे रखा है दीवार में, आपकी फिल्म आई हुई है, उसकी खुरचाई अच्छे से कर लें पेपर तरीके से। उसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है जहाँ पे खुरचाई किए हैं उसका रिपेयर करना। फ्रेंड, यहाँ जेके वॉल पुट्टी और पीओपी कोई सी भी कंपनी की हो, और जेके वॉल पुट्टी का या बिरला वाइट वॉल पुट्टी हो, दोनों को आपस में आधा आधा मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद बढ़िया से इसको मिक्स कर लें सूखे में, फिर उसके बाद पानी डाल के इसमें मिक्सिंग करें। जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए, फिर जो भी खड्डे आपकी दीवार पे हो रखे हैं, जहाँ पे आपने खुरचाई कर रखी है, उसकी पूरी अच्छे से भराई कर दें 2 बार, 1 से 2 बार या 3 बार, जब तक प्रॉपर तरीके से वो भर ना जाए तब तक उसको ना छोड़ें। जब पूरी तरह से आपका वो खड्डा भर जाए, फिर उसे सूखने के लिए छोड़ दें। अगर बीच में कहीं दीवार फूल जाती है, तो फिर से खुरचाई करके उसको आप भर सकते हैं। फ्रेंड, हमने इस काम को सिंपल तरीके से दिखाया है जो हर आदमी के बजट में होता है। इसमें इस दीवार को हमने ऐसे दिखाया है जो बगैर बेस बनाए ये पेंट हो जाए। वैसे भी ये इस पेंट में बेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आपका रिपेयर पूरी तरह से सूख जाए, फिर इस पे सेंडिंग कर दें 320 नंबर से। फिर इसका तीसरा प्रोसेस होता है माल का, कोटिंग का। ये फ्रेंड, इस बाल्टी में वाइट पेंट आता है, ना कि कोई कलर आता है। हम छत के लिए
वाइट बनाते हैं जिसमें सिर्फ वायलेट मिक्स होता है हल्का सा वाइटनेस के लिए, और दीवार के लिए हम कलर बनाते हैं। दीवार में आपके मनपसंद का कलर होगा जो आपको पसंद हो। फिलहाल हम आइवरी कलर, क्रीम कलर का हम यहाँ दिखा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादातर होता है। यहाँ हम क्रीम कलर बनाने के लिए हमारे पास एक स्टीनर है येलो कलर, येलो ऑक्साइड इसका नाम है, स्टीनर वीडी लाइट का। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। इसकी मिक्सिंग एकदम प्रॉपर तरीके से, बढ़िया से हाथ से मिक्स करें। अगर आपके पास ये मिक्सचर पेंट हो तो वाशबल मिक्सचर से नहीं मिक्स होता करें, है फ्रेंड। वैसे हाथ से मिक्स करें तो ज़्यादा ही बेटर एक होता कमरे है का मटेरियल कॉस्ट लगभग 800 से 1000 रुपये फ्रेंड। होता इस है पेंट में पानी कितना मैक्सिमम। डालना है? 1 लीटर में आधा लीटर पानी पड़ता है। और कलर आपके मन मुताबिक, आपको जितना पसंद हो उतना कलर आप रख सकते हैं। ये पेंट ऐसा होता है, जितना आप कलर रखोगे, गीले पे डार्क रहेगा, सूखने पे लाइट हो जाता है। पहले कोट में आप लाइट लेके चले। इसके दो कोट होते हैं, दो से तीन भी होता है, लेकिन सही आ जाता है। दो कोट में बढ़िया फिनिशिंग आ जाती है। दो कोट तो होता ही होता है। पहला कोट सेंडिंग करने के बाद आप अच्छे से दीवार को साफ कर लें, उसके बाद ही कोट डालें। ब्रश से पेंट लगाने के बाद आप इस पर 0 नंबर का रोलर होता है, उसको आप इसके ऊपर फेर सकते हैं, जैसे कि ये फेर रहे हैं। इस तरह से आप फेर सकते हैं। सिंगल कोट जब आपका पूरा हो जाए, फिर इसके 4 घंटे बाद डबल कोट कर सकते हैं। आपका कमरा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फाइनल प्रॉपर तरीके से कलर आ जाएगा जैसा कि आप चाहते हैं। इस काम का यही है पूरा प्रोसेस। फ्रेंड, हमारे इस चैनल